हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल टेक्निकल ब्लॉग। और आई होप यू गाइज आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल एंड आई एम ऑल्सो गुड। सो फ्रेंड्स, आज आपके लिए दो बड़ी खबर है, मतलब दो गुड न्यूज़ है एक तरीके से। तो पहली जो न्यूज है वो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि SSC की तरफ से। तो SSC ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे आज एक नोटिस निकाला है, जिसमें स्टार्टिंग में उन्होंने इसमें लिखा है कि उन्होंने कुछ एग्ज़ाम ओरिजिनली शेड्यूल की थी मार्च में, मतलब अलग अलग टाइम पे शेड्यूल की थी, जैसे कि स्टेनोग्राफर की है, सिलेक्शन पोस्ट की है, और CGL की 2019 टायर टू है। तो ये सारी एग्ज़ाम्स उन्होंने शेड्यूल की थी। इसके बाद में उन्होंने सेकंड पैरा में लिखा है कि उन्होंने जो ये लेटर नंबर इन्होंने दिया हुआ है, इस लेटर नंबर से उन्होंने ये सारी एग्ज़ाम्स हैं वापस से रीशेड्यूल की हैं। तो वो नोटिस कुछ दिन पहले आया ही था कि अभी जो अगले कुछ मंथ में है वो एग्ज़ाम सारी की सारी होने वाली है। तो थर्ड पैरा मेन जो न्यूज है वो थर्ड पैरा में, इसमें ये बोलते हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट्स से उनको मैसेज आ रहे थे, बहुत सारे कैंडिडेट्स से उनको रिक्वेस्ट आ रही थी कि क्योंकि ड्यू टू लॉकडाउन वो अपने घर पे जा चुके हैं। पहले उन्होंने सेंटर कहीं और का भरा हुआ था, अभी कहीं और का भरा हुआ है, तो वो चाहते हैं कि अपना सेंटर वो चेंज कर पाएँ ताकि उनको कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो SSC ने ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है। और अभी आप ये 18 सितंबर से लेके 20 सितंबर, यहाँ पे आपको 3 दिन का टाइम दिया गया है कि आप अपने यूजर नेम और रजिस्ट्रेशन, मतलब आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से जो ऑफिशियल वेबसाइट SSC की, वहाँ पे जाके आप लॉगिन कर सकते हैं और आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है उसको आप चेंज कर सकते हैं। और इस बार आप ये सब चीज़ें हैं थोड़ी ध्यान से पढ़ना, क्योंकि वापस से ये सारी चीज़ें हैं चेंज नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, SSC की तरफ से एक अच्छी पहल है। अगर आपने पहले सेंटर कहीं और भरा हुआ है और अब आप चाहते हैं कि मेरा सेंटर मैं चेंज करवा लूं, तो आप 18 तारीख से जाके और 18 तारीख से और 20 सितंबर के बीच में आप अपना एग्ज़ाम सेंटर चेंज करवा सकते हैं। और फ्रेंड्स, दूसरी जो न्यूज़ है वो है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स की तरफ से। तो 1/2019 NTPC की जो एग्ज़ाम होनी थी, मतलब जो एग्ज़ाम्स हैं उनका आप एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर पाओगे 21 सितंबर से लेके 21 सितंबर से 30 सितंबर तक। ये लिंक जो है वो एक्टिवेट रहेगी। आप अपने डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेशन, रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी डिटेल है वो डाल के आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर पाओगे कि वो रिजेक्ट है या फिर सेलेक्ट। तो फ्रेंड्स, ये दो न्यूज़ थी SSC और रेलवे की तरफ से। अभी एग्ज़ाम्स होने वाली हैं, गवर्नमेंट पूरे मूड में है एग्ज़ाम लेने के। तो फ्रेंड्स, जी तोड़ के मेहनत करो और बस करके दिखा दो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।